सो है गाइस, क्या हाल चाल, आई होप अच्छे हो गए सारे के सारे। तो गाइस ये एक डुओ का गेम प्ले है जिसमें हम लोग ओल्ड बेस उतरते हैं। यही एक हॉट ड्रॉप था रास्ते में, तो हम सोचे यहीं उतरते हैं, अच्छा बंदे आएंगे, लेकिन ज़्यादा बंदे आते नहीं हैं। दो डुओ आते हैं गाइस, तो आपस में लड़ने लगते हैं वो, तो हमको एक डुओ ही मिलता है मारने के लिए। तो देखो गेम प्ले अच्छा गेम प्ले था, तो मैंने सोचा डाल दूं, और किल भी अच्छे हो गए थे इसमें। और गाइस हाँ, वीडियो में यार थोड़ा सा प्रॉब्लम है साउंड की, मतलब आपको गेम की साउंड नहीं आएगी, पता नहीं ग्लिच हो जाता है कभी कभी साउंड का रिकॉर्डिंग करते समय, तो गेम की साउंड नहीं आएगी। तो चलते हैं आगे, अपने पहले उतरते हैं अपन, तो अपने को मिल जाती है 1KM और UMP, और बाकी जो बंदे उतरते शायद उनको गन नहीं मिलती शुरू में, तो भगा भगा मारते हैं उनको। तो भाई ये बंदे के पास गन नहीं थी, ये बंदा मुझे इतना छकाया यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, लेकिन सबसे लास्ट में ओल्ड बेसी में जो बंदा मरता है ना, यही बंदा होता है। देखना गाइस, अब गाइस वो बंदा तो निकल गया, उसके बाद अपने टीममेट जो कि हटीरेस क्लियर भाई, उनका कॉल आउट आता है कि इधर बंदे हैं, मुझे मारा बहुत गंदा मारा। तो यार अपन भी जाते हैं कवर देने के लिए, उनकी हेल्थ काफ़ी डाउन रहती है, तो मैं सोचता हूँ कि जाऊँ उनको मारूँ, फिर मैं कन्फ्यूज जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ नहीं यार नहीं, पहले कवर देते हैं। कवर के लिए पूछा तो पता चला कि बंदे वहीं थे, तो वापस मुड़ गया वहीं पर। अब यहाँ पास एक बंदा नॉक पड़ा था, तो पहले सोचा यार थोड़ा किल चोरी कर लेते हैं, जल्दी से इसको मारे, किल चोरी किया। अब किल चोरी करने में यार थोड़ी सी 75% मतलब 25% हेल्थ अपनी जो थी चल बसी। अब बंदा बचा, एक बंदा ऊपर था और एक टीममेट उसका पता नहीं किधर था, नहीं दोनों शायद दोनों यहीं थे। अब बंदा नीचे उतरता है, तो देते हैं इसको भी पहले, यहाँ पास खतरनाक फाइट चलती है, लगता है कि चल बसेंगे, लेकिन देखो फिर। तो भाई लास्ट 1 HP से बच जाता हूँ मैं इस बंदे को मारते, फिर जाता हूँ, पहले भागने की सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ यार इन्हीं के पास लूट है, इन्हीं से लूटना पड़ेगा, तो इसको जल्दी से क्लियर करता हूँ, फिर लूटता हूँ, सोचता हूँ फर्स्ट एड मिल जाए यार तो काम बन जाए, लेकिन यार नसीब फर्स्ट एड मिलता ही नहीं कहीं। अब उसके बाद वही बंदा जो बंदे को मैं छोड़ दिया था वहाँ पास, वो यहाँ आता है, अपने टीममेट को वापस मारता है, लेकिन इस बार पीछे से उसको धप्पा कर देते हैं अपन, और ये चल बसा गाइस। इसके बाद फिर सब बॉट ही बॉट मिलते हैं यहाँ, इतने ही बंदे आए थे, दो स्क्वाड डुओ आई थी, क्योंकि डुओ में अपन क्या नेशनल रैंक पुश कर रहे हैं गाइस, तो डुओ का गेम प्ले ही डालूंगा, अधिकतर गेम प्ले डालूंगा क्योंकि डुओ में रैंक पुश हो रही है। और बाकी अगर कोई स्क्वाड मिल जाती है अच्छी, तो टाइम पास के लिए कभी कभी खेल लेता हूं। अभी गाइस आप कमेंट करके बताओ कि आपके डुओ और स्क्वाड किस में रैंक पुश कर रहे हो, और इसमें भी रैंक पुश कर रहे हो उसमें आपकी रैंक कौन सी है। जैसे मेरे डुओ में अभी चल रही है 1000 के आसपास रैंक, जो कि ऊपर नीचे होती रहती है, लगता है 10 दिन में कॉन्कर पहुंच जाएंगे। सीन रैंक का नहीं है, रैंक तो अपनी 500 के आसपास पहुंच जाती है, फिगर जाती है, मेन है कि टायर नहीं बढ़ रहा। अभी अपन क्राउन में चल रहे हैं, क्राउन 5 में है, देखते हैं इसमें पहुंच पाएंगे, इस पहुंचा नहीं कि सीधे काउंटर हो जाएगा, क्योंकि अपने भाई रैंक अच्छी चल रही है। तो आप भी कमेंट बताओ कि आपकी कौन सी रैंक चल रही है, और कौन से टायर में हो अभी आप, और कौन से में मतलब पुश कर रहे हो डुओ सोलो स्क्वाड में। तो यहाँ हम बॉटों को पिटाई करते हुए, और अपने टीममेट कहते हैं भाई अपने को भी दे देना किल यार, लेकिन अपन कहाँ यार, किल नहीं हाथ से जाने दे सकते यार। तो हो गया, फिर जल्दी जल्दी सब बॉट को निपटाते हैं और चलते हैं आगे। उसके बाद गाड़ी से निकलते हैं, सोचते हैं थर्ड डील में चलते हैं, थर्ड डील में पुश करेंगे, लेकिन आवाज़ आ जाती है दूसरी जगह से बंदों की, लेकिन यहाँ आते तो पता चलता है कि बॉट है, तो फिर जल्दी जल्दी इनको भी खत्म करते हैं यार। स्पीड में दिखा रहा हूँ वीडियो, क्या यार बॉट को मत छूना दिखाऊंगा, कतई बोरिंग सी फीलिंग आती है। तो गाइस बॉट को मारने के बाद इनका जितना मटेरियल था बोरिया बिस्तर सब लूटने के बाद चलते हैं आगे, सोचते थर्ड इले बंदे होंगे, लेकिन थर्ड इले बंदे नहीं मिलते। फिर आगे आते हैं तो इधर पास बंदे मिलते हैं, वेयर हाउस का इधर तो बंदे मिलते हैं, तो चलते हैं फिर इनको पुश करते हैं थोड़ा सा। तो गाइस ये स्लाइड वाला क्रिस किस के साथ होता है यार, बताओ कमेंट करके, मेरे साथ बहुत होता है, तो मुझे लेट के इसको सही करना पड़ता है स्लाइड वाले क्रिस को। तो यहाँ पास एक बंदा रहता है, मैं सोचता हूँ नेट करूँ, लेकिन यार वो घुस जाता है अंदर, जो क्या कहते हैं उसको, सर पैनिक रूम कहते हैं, पैनिक रूम में घुस जाता है, तो हम भी जाते हैं और उसको फेल के आते हैं फिर। भाई साहब कति फर्स्ट एड लगा रहे थे, और फर्स्ट एड लगाते लगाते ही लॉबी की ओर प्रस्थान करते हुए।
अब चलते हैं दूसरे बंदों की ओर, तो बंदे ढूंढते हैं यहाँ शायद इनकी इसकी स्क्वाड का ये मतलब पहला बंदा था और बाकी बंदे इधर घूम रहे थे। कहता कि बॉट टाइप के बंदे थे, ऐसा समझ भी नहीं आ रहा था कि बंदे हैं या बॉट। उसके बाद गाइस लगता है इनकी स्क्वाड पूरी क्लच हो जाती है, पास के निकलते हैं आगे। तो यहाँ पास एक बंदा लेटा होता है जो दो नंबर को अपने टीममेट को मार रहा होता है, तो जाते हैं उसके पास और देते हैं उसको भी थोड़ा सा दवाई ववाई, क्योंकि यार मतलब गलत बात ना यार अपने टीममेट को मारेगा और अपन सह लेंगे, ऐसा तो नहीं होने देंगे। तो देते हैं उसको भी और वो भी डायरेक्ट किल हो जाता है, वहीं सोए रहता है और सोते सोते ही सो जाता है। उसके बाद इधर पास देखता हूँ चट्टान के पास एक बंदा दिखता है, तो मैं तुरंत बैग लेता हूँ वापस और फिर वापस से थोड़ा सा एम सेट करके जाता हूँ। उतने में इसका एक नॉक बंदा आ रहा होता है जिसको कोई और नॉक करता है, तो मैं किल चोरी कर लेता हूँ। यहाँ पास वो बंदा रहता है तो बस फिर फुर्ती के साथ रिएक्शन और बंदा नॉक, टीपी भी लेने के बावजूद कुछ नहीं कर पाया यार। मैं थोड़ा सा उसको पीक करके मार चाहिए था, बाहर निकल के ऐसे मारोगे तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। लेकिन यार अभी ये टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो नहीं है कि मैं ज्ञान बताऊँ। और उसके बाद ये बंदा आता है गाड़ी लेके, तो मैं सोचता हूँ पहले आए आए पास आए, लेकिन वहीं पास रुक जाता है यार, पता नहीं रुक क्यों जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। इसका शायद पिंग आई था, फिर सोचता हूँ इसको मारूँ, जब तक गन बदलता हूँ तब तक मैं यार किल चोरी हो जाता है यार। बड़ा दुख लगता है यार जब किल चोरी होता है, वो भी अपना टीममेट, लगता है नेट मार दो, फिर लगता है चलो हटाओ यार। उसको इधर पास बंदे दिखते हैं, दो बंदे बाइक से चढ़ा रहे होते हैं, बाइक फंस जाती है तो एक इधर रहता है, तो इस बंदे को मारता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ दूसरा भी वहीं है, लेकिन दूसरा वहाँ नहीं रहता, उसका दूसरा बंदा यहाँ से निकलता है जिसको एक ही स्प्रे में समेट लेता हूँ। अब आज देखते ही देखते फाइट समाप्त होने चली, एक बंदा बचता है और पता भी नहीं चलता मैच कब खत्म हो गया, कब शुरू हुआ था। उसके बाद गाड़ी लेके घूमता हूँ इधर उधर, तो एक मतलब हल्का सा फायर आता है, समझ भी नहीं आता किधर से आ रहा है फायर, आपको नहीं सुनाई देगा क्योंकि साउंड की प्रॉब्लम है यार। हल्का सा गाड़ी फायर आता है, सिक सिक सिक, समझ भी नहीं आता ना कहीं आप मैप देखो कहीं भी गन का निशान नहीं बन रहा कि इधर से फायर हो रहा है। तो मैं दोबारा गाड़ी घुमाता हूँ, तो यहाँ पास निकलता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि नदी के पार बंदा है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं पता चलता कि नदी के पार किस साइड है, राइट साइड की लेफ्ट साइड। तो मैं सोचता हूँ कि वो राइट साइड में है, तो मैं लेफ्ट साइड में गाड़ी रोक लेता हूँ और बैठ जाता हूँ, लेकिन पता चलता है कि बंदा तो अपने जस्ट पीछे है यार। देखना गाड़ी जहाँ से स्प्रे आएगा पीछे से मेरे, ये देखो गाइस पीछे से स्प्रे आया, मेरी मैं सोचता हूँ भाई अब तो गए बिल्कुल, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ गाड़ी को फोड़ते हैं और कवर बनाते हैं, उससे काम बन जाएगा। अब गाइस एक चीज नोटिस करना, इस बंदे को यहाँ पास से फायर करता है, इतना गंदा रोटेट करके बंदा जाता है ना, मतलब कत्ता ही दिमाग लगाता है लौंडा, पता नहीं। अब इस यहाँ पास मैं कम से कम एक से दो मिनट तक पूरा सर्कल आ जाता है, दो बार सर्कल कम हो जाता है, तब तक मैं इसका वेट करता हूँ, लेकिन ये बंदा आने का नाम नहीं लेता, पता नहीं कहाँ से रोटेट करके पहुँच जाता है कहीं और। तो बहुत देर तक वेट करता हूँ, मैंने क्लिप कहीं जगह काट दी है बीच बीच में, क्योंकि इतनी देर तक वेट करता दिखाऊंगा तो यार कमेंट में बहुत सारा प्यार बरसेगा आप लोगों का, जो मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पास से फिर जब जोन आ जाता है बहुत देर के बाद, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ फिर। तो यहाँ पास बंदे हमारे भैया रोटेट मार, देखो गाइस कितना खतरनाक रोटेट मारा, पहले देखना आप वो, देखो भाई साहब वो परे फसरे हुए हैं नागिन बने, हो गया फिर दिया इनको भी जल्दी से, खतरनाक स्प्रे तो नहीं था यार, हक दिया था स्प्रे में, क्योंकि खड़े खड़े थोड़ा सा रिकॉइल कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हो गया थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है। तो गाइस इस प्रकार विनर चिकन डिनर। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अपना टायर और रैंक पुश के बारे में बताना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में या गेम प्ले के साथ या किसी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।